बिहाने 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 आर मेहंदी रात भर झुराई मेहंदी रात भर झुराई कलिए आर चलिए जईब तू कजरा काहे के लगाई कलिए चलिए जईब तू कजरा काहे के लगाई कलिए चलिए जईब तू मेहंदी रात भर झुराई कलिए मेहंदी रात भर झुराई कलिए चलिए जईब तू कजरा काहे के लगाई कलिए चलिए जईब तू कजरा काहे के लगाई कलिए चलिए जईब तू कजरा काहे के लगाई कलिए चलिए जईब तू बात बा की सवेरे सवेरे तू हाथ खुजलाओ तरु खुजलाई ना तोहरा साथे रहब तो और का होई का हो गइल बा का हो गइल बा पहले बताइ कि का हो गइल बा पहले रवा सबे के बिहाने बिहाने प्रोग्राम में विजया भारती के नमस्कार अच्छा, बा स्वागत अच्छा, अच्छा। बा हमो सब लोग के अजीत आनंद सब लोग के बहुत बार गोर लागत नी हम ये बात से परेशान बने कि भौजी हमार आज सवेरे आज बिहाने बिहाने काहे हाथ हुआ था ये बड़ा मन उदास के का भैया के याद आवे त का आई ना कोनो घड़ी असन रहेला कि याद ना आवेला हां हां ठीक बात तोरा साथे सिर खपावत रहेला त एकर का मतलब बा कि याद ना आई देखा सवेरे सवेरे टेंशन वाली बात ना बोलल जाला साफ साफ जोन बात बहु बता दो हमके हम ही बताएं हां त ई कारण बा तहरा चलते हाथ खजवावता हमरा चलते हजार बार इनका के कहता नहीं हम कि आराम वाला कपड़ा पहनह पैंट शर्ट कुर्ता धोती पजामा तब भौजी हम तो आराम में देख कुर्ता पहन ले बनिया जींस पहन ले का पहन ले बारा जींस लागे था कि बोरा से सिया के एगो पहन ले ले बारा दरी के सिया वाला बाकी बोरा के कहली कि हम का दो एमए पढ़ल है इनका पते नहीं के जे जींस है कि बोरा हटे बोरा कह लग ली एमए पढ़ल है तो तहर बोरा धोवे खातिर बैठल वानी का एमए पढ़ के जा ओहो पहने में फैशन झाड़े में तो इनका बड़ा खूब अच्छा लगेला आ धोए खातिर निकल जालन पतली गली से देखिए बात दूसरा जगह बा बात बात ना बा हमार बात पहले सुन ला ये हमरा धोत धोत हमरा हाथ छिया गइल बा चमड़ा उधर गइल बा एहे से हमार हाथ खजवावता बुझ गइल अरे बाप रे बाप हम अपना धोव अपना से पेन है तो अपना धो अरे तो इतना खिसियल है कि बहुत दर्शक लोग में भी इतना लोग बैठल बा जेकर भौजाई ओकर 150 रुपया पॉइंट तो तू ही पैसा दे 750 रुपया हम का जानत रहे की पैसा देता नहीं तो हमरे कपार पर आई मुसीबत अच्छा दर्शक लोग में बहुत लोग बाजे के भौजाई फिचतिया ओकर जींस तो फिचतिया तो उतना खिसिया थोइल तू कहता खिसिया तर भौजी सब के जींस ना खिसत रे हाँ, अपन कपड़ा अपन अच्छा, अपने खींचा सब सारा लोग में रुआ लो जितना लोग बैठल बने सब लोग में हमारे भौजी सबसे बढ़िया है या कौन बात नहीं के ये भाई बटरिंग लेकिन इनका बटरिंग तो ऐसे ही हम भोर से रात तक झेलत रहता नहीं और बिहाने बिहाने में इनका खास करके एक्टिंग शुरू हो जाता है ना ना ये भौजी हम कहते नहीं है की झगड़ा उगड़ा छोड़ा जींस मान लो जींस ना पहने आज के बाद फेंक दे जींस लेकिन पहले जोगा तक कर जाओ जोग अब अल सही रास्ता पर इनका जब बुझाता कि एकदम लाइन से बेलाइन जा रहा बा भौजी के मिजाज इनकर गलती बा तो फटाक से आ जाइए लाइन पर ए भौजी जोग देख ए भौजी गीत सुना अच्छा अभी सही कहलन है कि जोग देखे के समय हो गई बा तो आई रउआ सब मिलजुल के देखतानी योग बयाने मेरा देखे वाले सभी लोगों को हमारा नमस्कार आज हम आपके बताए योग के कुछ आसन जो टांग वास्ते रामबाण का काम करेगा और ऐसे का हुई आपको जो टांग है मजबूत और बलिष्ठ हो जाए इमन पहला जो आसन आपके बताते हैं वो कहलाला योग में उत्कट आसन यानी आप बैठल हुआ वो कहलाला योग में उत्कट आसन कैसे करल जाए उत्कट आसन करे वास्ते आपके का करे के है दोनों पैर के पंजे के ऊपर पूरे समस्त शरीर का आपके भार दे के है और सामने देखे के है जितनी देर आप आसानी पूर्वक रुक सके ना आप रुके आपके लगातार 20 काउंटिंग तक आप रुक सके ना 20 काउंटिंग तक रुके आपके लगातार 50 काउंटिंग तक रुक सके ना 50 काउंटिंग तक रुके ये जो आसन है कम से कम 3 से लेकर 5 बार एक अभ्यास आपके जरूर करेगा ऐसे का हुई आपके पंजा जोन हुए मजबूत हुई हैं उसके बाद दूसरा आसन आपके बताओ थे वो कहलाला योग में कुर्सी आसन
कुर्सी जाना हमरे शरीर के जो आकृति रही जैसन कुर्सी होला जैसन चेयर होला वैसे हो जाए वो कराला कुर्सी आसन। कुर्सी आसन कैसे करे के है? दोनों पैर के बीच में लगभग शोल्डर्स बराबर समांतर गैप होए के चाहिए। हमारे दोनों हाथ हुई सामने रही हैं और हमके धीरे धीरे कुर्सी नुमा अपने शरीर के बेंड करके कुछ देर हमके झुके के हुई। ये ध्यान रखे के हुई जोन हमारी घुटना हो हमारे पैरों के बड़े अंगूठा जोन हो ओके क्रॉस ना करे के चाहिए। कुछ देर हम कुर्सी आसन में रुकी। आपके लगा था आप 20 काउंटिंग तक रुक सके ना 20 काउंटिंग तक रुकें। आपके लगा था ना रुक पावत हूँ तो आप जल्दी भी रुक सके ना। आपके लगा था आप ज़्यादा कर सके ना ज़्यादा कर करी हैं। ये जो आसन है ये आसन आपके कम से कम यह आसन 3 से लेकर 5 बार एक अभ्यास करे के। उसके बाद आप बताओ थे जो तीसरा आसन हो कहलाला योग में त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन का दूसरा वेरिएशन त्रिकोण आसन कैसे करल जाला। इमन का करे के है आपके अपने दोनों पैर फैला ले के है शोल्डर विड्थ से दुगना और जो बायां पैर रही जो बायां पैर है बायां पैर पॉइंटेड रही बाहर की ओर और दायां पैर जो रही अंदर की ओर पॉइंटेड रही। दायां बिल्कुल हमारा सीधा रही और बायां हाथ जमीन की टच करी हमारे जो पैर है उकरे पीछे रही और हमके देखे के है सामने। श्वास की जो गति है सामान्य रही। कुछ देर आप रुके आपके लगा था 10 काउंटिंग तक आप रुक सके ना 10 तक रुके। आपके लगा था 20 काउंटिंग तक रुक सके ना 20 तक रुके। उसके बाद आप धीरे धीरे वापस आई हैं। ये जो क्रिया दूसरे ओर से आप दोबारा करिए। ये देखा हमारी दाएं हाथ यहाँ अगल यहाँ ना रखी है दाएं हाथ यहाँ रही बाएं भी उकरे पीछे रही सामने देखा तो जब बाएं हाथ बिल्कुल सीधा रही आपके सामने देखे क्या। ई कहलाला योग में त्रिकोण आसन का दूसरा वेरिएशन। इसके अलावा हम आपके बतावत हैं पार्श्व त्रिकोण आसन वो कैसे करल जाला। पार्श्व त्रिकोण आसन में का करे के है पोजिशन पहले जैसन रही लेकिन आपका हाथ उठी दायां पैर बाहर क्यों निकल गल बायां पैर अंदर है हाथ जो है हाथ उठी ई हो गल पार्श्व त्रिकोण आसन। थोड़ा हमके झुके के है सामने देखे के है कुछ देर रुके आप लगा था उसके बाद धीरे धीरे वापस आए। ये क्रिया दूसरे रूप से आपके दोहराए की हो। ये कहलाला योग में पार्श्व त्रिकोण आसन। ये जो आसन है ये आसन आपके दोनों ओर से कम 3-3 बार एक अभ्यास करेगी। तो हम आपके बताऊंगी योग के कुछ आसन। अगर इन आसन के आप निरंतर अभ्यास करी हैं तो आप देखिए थोड़े दिनों बाद आपका जो थाइज मसल है जो काफ मसल है पैर का पंजे एड़ी धीरे धीरे मजबूत हो जाए। उससे कहा है कि भाई आपका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी अच्छा हो जाए। अगले प्रोग्राम में हम किसी और विषय के बारे में बताएं तब तक आप सभी हमके इजाज़त दें। आप सभी लोगों के हमार नमस्कार। सुनील जी के बताओल योग के हमरा उम्मीद बा भौजी के सब लोग फायदा उठावता। योग के फायदा तो सब केहू के मालूम बा जेकरा मालूम बा तो उठेबे करता है लेकिन केहू केहू सब चीज देख के फायदा के बारे में जानकारी ले के भी हाथी लेखा भैंसा लेखा पसरल रहे जैसे तू बड़ू खाए खाए के और पसरल रहे के अपन कपड़ा भी ना फींचे के गौने के बात करा लड़ा हाथ में घाव हो गए कपड़ा फींचत। अच्छा भाई इतना खिसियेले कौन बात बा। अच्छा एकरा बदला में तरह गीत सुनवा दे तो खुश हो जेबू नु। हाँ काहे ना खुश होकर ठीक बा। तो हमने के आज स्टूडियो में आयल बड़े अजय राज जी। आई ना मैया आई ना बिगड़ी हमरो बनाई ना आई ना मैया आई ना बिगड़ी हमरो बनाई ना आईना आईना मैया आईना बिगड़ी हमरो बनाई ना आईना आईना मैया आईना बिगड़ी हमरो बनाई ना। रुआ से आपन दुखड़ा सुनाई रुआ से आपन दुखड़ा सुनाई भगिया हमरो जगाई ना आईना 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 बिगड़ी हमरो बनाई ना आईना आईना मैया आईना बिगड़ी हमरो बनाई ना।
रुआ चरण में हे मैया सारा दुनिया सिर झुकावेला जे शरण में रउआवे मन चाहा फल पावेला कर दया हमरा पे मैया कर दी दया हमरा पे मैया भटकत रहिया देखाई ना आईना आईना मैया आईना बिगड़ी हमरो बनाई ना आईना आईना मैया आईना बिगड़ी हमरो बनाई ना रवसे आपन दुखड़ा सुनाई रवसे आपन दुखड़ा सुनाई भगिया हमरो जगाई ना आईना आईना मैया आईना बिगड़ी हमरो के स्टूडियो में हमने के बिहाने बिहाने कार्यक्रम में माई के गुहार करत आइल बड़े अजय राज जी और बहुत बहुत स्वागत बा। अजय कहाँ घर भइल? हमार घर बेतिया चंपारण में नरकटियागंज में भइल। कितना दिन भइल भोजपुरी गायकी के शुरुआत करत? लगभग अभी दो तीन साल। दो तीन साल ज्यादा समय ना भइल त आज के रउआ सब रोज एक से एक भोजपुरी गायक कलाकार के सुनते बानी त आज के कलाकार जौन युवा कलाकार के रूप में रउआ सब के सामने बैठल बानी राज करे खातिर राज हां हमार शुभकामना बा कि इनकर यात्रा इतना अनंत रहे आगे जाके सफल होके कि एकदम राज करे के योग बन जाए। ई बताई अजय जी का अगला इरादा बा का करे के बाटे? सबसे बड़ी बात बा कि अपन भोजपुरी के हर जगह हर देश विदेश में हर जगह हमनी के झंडा लहरावे के बाटे चाहे जितने भी होके एक गुणगान करे के बा एकदम गावे के बा भोजपुरी हर जगह गावे के बा हर जगह गुनगुनाए के बा भैया पूर्व यही आगे विचार बा प्लान बा जी। लेकिन हमार आगे के विचार हम बता दी हमार विचार बा कुछ अजय जी के जो पसंद होके तब गीत सुन रहे वो लोग को पसंद बा हम समझता नहीं रउआ एगो गीत हमने के सुना दी पहले लिहले जन्मवा गोदी में ललनवा अंगनवा हो आज बड़ा नीक लागे लिहले जन्मवा गोदी में ललनवा अंगनवा हो आज बड़ा नीक लागे अंगनवा हो आज बड़ा नीक लागे दिहले जन्मवा गोदी में ललनवा अंगनवा हो आज बड़ा नीक लागे अंगनवा हो आज बड़ा नीक लागे बड़ा नीक लागे ललना बड़ा नीक लागे ललनवा हो आज बड़ा नीक लागे भवनवा हो आज बड़ा नीक लागे माई के खुशी से फुलाइल बमनवा बाबूजी लुटावस सोना चांदी धनवा माई के खुशी से फुलाइल बमनवा बाबूजी लुटावस सोना चांदी धनवा बड़ा रे सुहावन लागे बड़ा रे सुहावन लागे मोरा भवनवा अंगनवा हो आज बड़ा नीक तू हमरा के मुटकी मारत रहू बहुत अच्छा लागल है और एक बात हमरा लगता कि अजय जी घर में के रुआ सपोर्ट करेला जैसे कि गाव अजय गाव तू आगे गाय के कुछ बड़ा स्टार बनब कोनो बड़ा सबसे ज्यादा हमर माई करली थोड़ा सा उन्हीं के
देन बाकी आज हम इस स्टेज तक पहुँचल बानी। कहाँ तक पहुँचे के सपना का बा? सबके दिल में एगो सपना होला, सबके दिल में एगो आशा होला, सब केहू के दिल में एगो बाटे आशा। अजय जी रुआ हमने के बिहाने बिहान के आंगन में एनी, हमने के घर में एनी, बहुत बहुत धन्यवाद बा। रोलिंग के बलेला के बहुत लाख लाख धन्यवाद बा। यहाँ के रनी है अजय राज जी, जे हमने के गीत संगीत से एकदम दिल पर राज कनी है। लेकिन हमर भौजी अब देखा तनी की आज कहाँ घुमावत अरे, बहुत इनकरा से दो चार गो में ऐसा ऐसा हमरा के डांट देता रही बात ऐसा ऐसा एपिसोड में। लेकिन ई बता दो फटाफट की कहाँ ले चलते रहू आगे भी बतावा कि डांट दे तानी भौजी तो ओकरा बाद का हो जाला अजीतानंद के बात काहे के हमर बेइज्जत करे के तू फेर में लागल बड़ू एकदम घर के पीछे में वॉशिंग मशीन लगा के बहुत सारा कपड़ा ई महटियावत रही। महटियाला का मतलब हम समझ गए नी कि यात्रा पर चलल जाई। भोजपुरी गीत संगीत सुनला के बाद अब अजीत का विचार बा? विचार ये बटे कि ब्रेक से जाए के पहले वादा कइले रहनी है सपना दर्शक लोग से कि हमनी के चलल जाई घूमे खातिर। तो चले के तो चल हिमाचल प्रदेश में बसल माँ चामुंडा देवी के ई मंदिर। माँ चामुंडा देवी के महत्व बहुत है। कहल जाला कि जब इस संसार में एक बेर असुरन के राज हो गए रहे तब भक्तन के विनय कैला पर माँ चामुंडा देवी संसार के भय मुक्त करे खातिर आह्वान कैली। यह जगह पर चंड अमुंड नामक दैतन के संहार कर उनकर सिर के काट के अपना हाथ में ले ली। तब से माई के नाम चामुंडा देवी पड़ गई। तब से लेकर आज तक माँ चामुंडा देवी के स्थान जगत विख्यात हो गई। चामुंडा देवी के नाम पर ही मंदिर के ऊपर मौजूद पहाड़ के भी नाम चामुंडा पर्वत पड़ल। चामुंडा मंदिर के जलंधर शक्तिपीठ के उत्तरी द्वारपाल मानल जाला। माँ चामुंडा के रुद्र चामुंडा देवी भी कहल जाला। माता के मंदिर के द्वार पर दुन्नो ओरी महाबली हनुमान अभैरव जी के काला मूर्ति स्थापित बा। चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर में प्रवेश करते ही कई देवी देवतन के मूर्ति के दर्शन होला। माँ के भव्य प्रतिमा के बहुत ही अच्छा तरीका से वस्त्र आभूषण से सजावल जाला। यहाँ पर भक्त लोग माई के चरण में शीश नवावेले और मन्नत मांगेले। चामुंडा देवी मंदिर के बगल में ही एगो विशाल शिला है। इस शिला के नीचे मौजूद बा प्राचीन नंदिकेश्वर महादेव के पिंडी। मंदिर के बगल से होकर बहेली हिमालय के धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलल बाणगंगा नदी के धार। ई नदी के पार करे के खातिर एगो सुंदर पुल बनावल गई बा, जेकरा के पार करके भक्त पहुँचे ले सिद्धि बाबा के मंदिर में। एकर कथा बहुत ही रोचक है। कहल जाला कि एगो राजा के राज्य में दैतन के हाहाकार रहे। तब राजा माँ चामुंडा से विनती कर दैतन के संहार करे खातिर प्रार्थना कैले। तब माँ चामुंडा कहनी कि हे राजन, हम असुरन के संहार तक कर देव, बाकी एकरा खातिर तोहरा हर रोज एगो नर के बलि देवे के पड़ी। एक दिन एगो ब्राह्मण के एक लौता संतान के बारी आई। तब उस शिव जी से प्रार्थना कैलस कि प्रभु हमार उद्धार करी। तब बाबा ओकरा के अपन शक्ति से रोक देले। कहले कि आज से तोरा जिंदा ना बल्कि मुर्दा आदमी के बलि मिली। इस स्थान पर पहले तोहर अब बाद में हमार पूजा हुई।
चामुंडा देवी के स्थान अपना आप में एगो खास महत्व रखेला। माई अपना दरबार में आयल भक्तन के हमेशा उद्धार करेली। तक घूम फिर के कहीं भी यात्रा से लौट के तो मन मिजाज फ्रेश होइए जाला का अजीत। हां भौजी बड़ा अच्छा लागल आज के तो घूमनी से तो अच्छा लागल। हाँ, मिजाज फ्रेश भयो। हां बहुत अच्छा लागल। पेट ठीक बा? पेट तो ठीक है बट तू हमारे पेटे के पैर में पड़ा रहता रू। अब का करी हमार देवर बाड़ा तो हमरा तो चिंता। ए भौजी हमरा आज चिट्ठी पढ़े के मन करता। कोनो खास चिट्ठी बा का? ना ना पढ़ा तनी एगो तनी हमहु पढ़ दी रोज तू ही पढ़ लो हमार दर्शक लो हो सकता कि हमार चहला लोग उदास हो जाए कि अजीत कुछ ना पढ़े ले। तो है ली अजीत के द्वारा रउआ सभी चिट्ठी के जवाब सुनी। चिट्ठी आयल बा तरा लखनऊ से। लखनऊ से आयल बटे गुड्डू जी के। यहाँ के कहतनी कि आई जौन राउर रक्षा बंधन के जौन अथी देख लेनी है प्रोग्राम बहुत नीमा लागल। आ यहाँ के दूगो लड़को बड़े से छोट छोट वो कहतने से विशेष कर जब भौजी अजीत जी के जब मुंह में लड्डू डलली तब बड़ा नीमा लागल देख के। सबके आदत बा कि अजीत जी के मुंह में कुछ न कुछ एकदम ठूसल रहे पेट बढ़ल रहे बस खात पियत अजीत सबके अच्छा लागे। हाँ तो जिंदगी के मतलब कहा खात पियत जिंदगी एक दिन तब लेट जाएगा भाई सही धरती पर। कुछ आदमी जिंदगी जीवे करेला खाली खाए खातिर लेकिन इस सब बात पर तो बहस करी तो बहुत बड़का बात हो जाई। सुना तहरा से का जाने कौन तहरा हमरा झूर भुलाइल बा कि रोज डनेर झूर डनेर ला लड़ाई बटे कि रोज हमनी के एक एक बतिया पर लड़े नहीं सा। अब लड़े नहीं ना ये हमार समस्या बा परमानेंट समस्या बा हमरा मालूम बा कि कितना दिक्कत होला। अच्छा ठीक बा सब कुछ सारा समस्या समाधान हुई .com ना तो एकदम याद ही रहता है। अब भौजी अब लड़ मत अब कार्यक्रम खत्म करो आज जल्दी जल्दी फटाफट हमरा काम पर एक बटिया भी तारा काम पर बुझ गई नहीं कौन काम पर। काल हमने के यही समय पर देवर भौजाई यह बिहाने बिहाने लेके आए हम सब तब तक खाती दोनों आदमी रहवालों से अज्ञा चाहता नहीं सा कहो एकदम तो नमस्कार।